में आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्र का कार्यकाल शुक्रवार को खत्म हो गया। उनकी जगह राहुल नवीन को ईडी का अंतरिम डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। बिहार के रहने वाले राहुल 1993 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। वे ईडी मुख्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी और विशेष निदेशक हैं। नए निदेशक की औपचारिक नियुक्ति होने तक वे निदेशक की जिम्मेदारी निभाएंगे। संजय मिश्रा लगभग 4 साल 10 महीने ईडी निदेशक रहे। संजय मिश्रा को पिछले साल 18 नवम्बर को रिटायर होना था। केंद्र ने अध्यादेश के जरिए उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाया था, जबकि कोर्ट पहले ही कह चुका था कि दूसरी बार के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल न बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मिश्रा 31 जुलाई तक पद पर थे। इस दौरान ही सरकार को नए चीफ की नियुक्ति करनी थी। केंद्र सरकार ने 26 जुलाई को संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट का कहना था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रिव्यू चल रहा है, इसलिए संजय को 15 अक्टूबर तक पद पर रहने दिया जाए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को तर्क दिया था कि संजय मिश्रा की जगह लेने के लिए अभी कोई दूसरा अवसर तलाश नहीं किया जा सका है। वे अभी मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों की निगरानी कर रहे हैं, ऐसे में नई नियुक्ति के लिए हमें थोड़ा और समय चाहिए। सरकार के इस तर्क के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोगों और देश का हित देखते हुए मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा रहे हैं, पर 17 सितंबर को आधी रात के बाद मिश्रा पद पर नहीं रहेंगे। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।